है कमला नगर से जब आप बढ़ेंगे उमेश पाल के अपहरण के मामले में एक बार फिर अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर निकल चुकी है। इस समय अतीक अहमद को जालौन से पुलिस लेकर गुजरती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं अतीक अहमद को वज्रवाहन से पुलिस प्रयागराज ला रही है। उनके साथ साथ सुरक्षा में लगी पुलिस व मीडिया के साथ उनके करीबियों की भी गाड़ियां चल रही हैं। भारी संख्या में लोग अतीक अहमद के पीछे लगे हुए हैं। अतीक अहमद का काफिला इस समय जालौन के एक टूल बूथ बैरियर से गुजरता दिखाई दे रहा है। अतीक अहमद के साथ उनके भाई पूर्व विधायक अशरफ को भी प्रयागराज लाया जा रहा है। बरेली जेल से प्रयागराज पुलिस पूर्व विधायक अशरफ को लेकर निकल चुकी है। दोनों भाइयों को नैनी जेल में रखा जा सकता है, जिसकी तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। उमेश पाल के अपहरण के मामले में अतीक के साथ उनके वकील सौलत हनीफ को भी सजा हुई है। बुधवार को सौलत हनीफ के घर ईडी की छापेमारी की गई। ईडी ने जिले के एक प्रतिष्ठित बिल्डर संजीव अग्रवाल के साथ कई लोगों के घर पर छापेमारी की है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अतीक अहमद के प्रयागराज पहुंचने से पहले उनके करीबियों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कटाई मड़ाई के सीजन में आगजनी की घटनाएं बढ़ गई हैं। ओलावृष्टि के बाद आगजनी की घटनाओं से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। सारस और आरिफ की दोस्ती अब हर कोई जान चुका है। 20 दिन बाद एक बार फिर आरिफ अपने प्यारे दोस्त सारस से मिलने कानपुर चिड़ियाघर में पहुंचा। सारस आरिफ को देखते हुए झूम उठा। आप देख सकते हैं आरिफ को देखकर सारस किस तरीके से झूम रहा है। कानून के दायरे की वजह से आरिफ और सारस एक साथ तो नहीं रह सकते, पर दोनों में प्यार कितना है यह आज सभी जान गए हैं।